लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। मुंबई में लोअर परेल रेल ओवर ब्रिज बंद, लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल। मुंबई में लोअर परेल रेल ओवर ब्रिज बंद होने से लोगों को भारी परेशानी। मुंबई में अब एक और सबसे व्यस्त ब्रिज लोअर परेल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इस ब्रिज से रोजाना 9 लाख लोग और 2 लाख वाहन गुजरते हैं। ये ब्रिज मध्य मुंबई के पूर्व पश्चिम को जोड़ने वाला सबसे बड़ा ब्रिज है, लेकिन मंगलवार को इसे सुबह अचानक बंद कर दिया गया। ब्रिज को बंद करने के चलते लोअर परेल रेलवे स्टेशन के पास अफरा तफरी का माहौल दिख रहा है। ओवर ब्रिज में मरम्मत के चलते इसे बंद किया गया है। इस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से बंद किए गए इस ब्रिज के मरम्मत को लेकर रेलवे और BMC के बीच खींचतान चल रही है। ओवर ब्रिज का 67% हिस्सा BMC के खाते में आता है। रेलवे चाहती है कि इस ब्रिज को BMC ठीक करे, जबकि BMC कह रही है कि रेलवे ही इसे ठीक करे, क्योंकि ये रेलवे लाइन को क्रॉस करता है। कानूनन रेलवे के ऊपर से गुजरने वाले हर ब्रिज को ठीक करने की जिम्मेदारी रेलवे की है। इतना ही नहीं, BMC इसके लिए हर साल 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम रेलवे को देती है। ये ब्रिज इसलिए बंद किया गया है क्योंकि अंधेरी के बाद IIT ने स्ट्रक्चरल ऑडिट किया था, इसी के तहत इसे खतरनाक बताया गया, तो ट्रैफिक पुलिस ने यातायात के लिए बंद कर दिया। मुंबई में अब तक कुल 6 रेलवे ब्रिज बंद किए जा चुके हैं। असल में होना ये चाहिए कि जब हर साल ऑडिट होता है तो तभी क्यों नहीं ब्रिज की मरम्मत या बंद करने का फैसला लिया जाता है। एक हादसे के बाद अचानक कैसे कई ब्रिज खतरनाक लगने लगते हैं? ब्रिज को ठीक करना जब रेलवे की जिम्मेदारी है तो वो उसे क्यों नहीं पूरा करता है?